हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पर। तो आज कुछ बड़ी अपडेट्स लेके आया हूं आप सभी के लिए। जी हां, केकेआर फैंस के लिए भी बड़ी अपडेट्स लेके आया हूं, उनके लिए खुशखबरी भी लेके आया हूं और एक अनबिलीवेबल न्यूज आपके लिए लेके आया जो के रिलेटेड है हार्दिक पांड्या से। उसके अलावा MI से, जी हाँ, मुंबई इंडियंस से रिलेटेड एक बड़ी खबर आपके लिए लेके आया। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं KKR फैंस के लिए जो है खुशखबरी लेके आया। जी हाँ, वो खुशखबरी यह है कि एंड्री रसल को KKR ने रिलीज करने से मना कर दिया। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स और कुछ आर्टिकल्स क्रिक बस की जानिब से निकल के आ रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ बता दिया है कि वो KKR फैंस को एक रिलीफ देने जा रहे हैं और एंड्री रसल की शक्ल में, जो कि एंड्री रसल को रिलीज नहीं करने जा रहे। कहीं ना कहीं मेरा भी यह मानना था कि एंड्री रसल को रिलीज अभी तक नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आगे मेगा ऑक्शन आएगा 2025 का, तो उसमें आप कोई भी इस बारे में डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि एंड्री रसल एक बड़ा नाम है जिसको आप रिलीज करते हुए काफी दफा सोचेंगे और जो कि तमाम फैंस KKR के यही चाहते कि एंड्री रसल उन्हें खेलते हुए नजर आए। तो जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी अच्छी खबर एंड्री रसल के फैंस के लिए कि वो KKR उनको रिलीज नहीं कर रहा, तो ये अभी तक की एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी खबर हमारे पास निकल के आ रही है जो कि हार्दिक पांड्या के हवाले से, जिस पर बिल्कुल यकीन नहीं किया जा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये अनबिलीवेबल है, कई रूमर्स फैलाए जा रहे हैं लेकिन वो रूमर्स नहीं थे और वो एक वाकई सच्ची खबर थी जो कि हार्दिक पांड्या के लिए। जी हाँ, इन्होंने गुजरात टाइटंस को छोड़ दिया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुंबई इंडियंस को। ये वाकई अब तक की बड़ी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल हार्दिक पांड्या ने ज्वाइन कर लिया मुंबई इंडियंस को। और जैसा कि ये भी बताते चले कि कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया है क्योंकि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के अंदर हार्दिक पांड्या उनको देखते हुए मिलेंगे, तो गुजरात टाइटन्स का क्या होगा भाईजान, उनकी कप्तानी कौन करेगा, उनके उनको लीड कौन करेगा, उनको लेके कौन चलेगा। तो अभी आपको बताते हैं, थोड़ा इंतजार करें। पहले बात कर लेते हैं बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज पे जो कि हार्दिक पांड्या ने ज्वाइन किया। तो देखिए, सभी फैंस के चार थे। उसके अलावा हार्दिक पांड्या के 2023 IPL के बाद से कुछ मैनेजमेंट के साथ गुजरात टाइटंस की मसले मसाइल चल रहे थे, उनके ओपिनियन को लेके, उसके अलावा उनके कंसर्न्स, इंजरी कंसर्न्स को लेके चल रहे थे। तो अभी एक बड़ा फैसला ले लिया गया है कि हार्दिक पांड्या ने MI को ज्वाइन कर लिया। और ये भी एक कहीं ना कहीं चीज फैंस पूछ रहे थे कि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा एक ही टीम में खेलते हुए नजर आएंगे तो कैप्टेंसी का क्या देखा जाएगा। तो जैसे कि आपको बताते चले कि रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या को उनके नीचे खेलने में कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वैसे भी रोहित शर्मा के एक दो साल है, एक दो सीजन है, उसके बाद क्या पता हार्दिक पांड्या के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। जहां तक हमें अपडेट्स निकल के आ रही हैं, उनको इसी बात पे मुंबई इंडियंस ज्वाइन किया और उनकी इस बात को एग्री किया गया कि जैसे ही रोहित शर्मा छोड़ेंगे उसके बाद कप्तानी के अगले दावेदार वो देखे जाएंगे। और ऐसा ही देखने को मिला कि हार्दिक पांड्या ने भी इस पर एग्री कर लिया और उन्होंने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर दिया। तो अब बात करते हैं गुजरात टाइटन्स की। गुजरात टाइटन्स में भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि कप्तानी किसको सौंपी जाएगी। तो देखे जो अगले दावेदार देखे जा रहे हैं वो तो शुभमन गिल है, लेकिन शुभमन गिल के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज हो जाएगी। शुभमन गिल शायद अभी कप्तानी ना कर पाए, तो दूसरा नाम अगर देखने को मिले तो वो हमारे पास केन विलियमसन का आ रहा है। ये अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है लेकिन जैसा कि अपना ओपिनियन भी आपको बता रहा हूं और ऐसा देखने को मिल सकता है और जो बिल्कुल डिजर्विंग है उसको देखा जाएगा, तो केन विलियमसन दूसरा नाम आ सकता है। और जैसा कि केन विलियमसन को भी इंजरी कंसर्न काफी रहते हैं, लेकिन अगर कोई इंजरी कंसर्न आता है तो राशिद खान का नाम भी गुजरात टाइटन्स के पास है, तो वो भी कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं आपको। लेकिन जो अब तक की बड़ी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या ने ज्वाइन कर लिया मुंबई इंडियंस को और मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। उसके बाद हार्दिक पांड्या के जो मामला उनके साथ चल रहे थे उसके बाद उन्होंने अभी तक के लिए डिसीजन यही लिया है कि वो मुंबई इंडियंस के साथ खेलेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल रहा था कि रोहित शर्मा कहीं छोड़ तो नहीं रहे ये वो, लेकिन नहीं, रोहित शर्मा भी खेलेंगे, हार्दिक पांड्या भी खेलेंगे और रोहित शर्मा के जिस तरह के फैंस चाहते थे कि वो उनको खेलते हुए नजर आए मुंबई इंडियंस के अंदर, तो ऐसी कोई खबर नहीं है। कुछ रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये वो उन्होंने रिजाइन किया या नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोहित शर्मा के फैंस के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है, उसके अलावा मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। और जैसा कि मैंने आपको पहली खबर दी थी कि एंड्री रसल के फैंस के लिए, KKR फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो ये अब तक की तमाम खबरें आप तक पहुंचानी मैंने जरूरी समझी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।